मोहल्ले का नाम है राममूर्ति गांव। यहां जो है एक बहुत बड़ी समस्या यह है, गांव के ग्रामीण जो है बाढ़ के तांडव से जो है हर साल परेशान रहते हैं, और इसकी शिकायत भी जिम्मेदारों को किया गया लेकिन कोई सुध नहीं लिया गया और ग्रामीण परेशान है। समय से पहले इस बार जो है जागरूक हो गए हैं, उनका जो है प्रशासन से मांग है समय रहते बंधों का मरम्मत करवा दिया जाए ताकि ग्रामीण जनजीवन अस्त व्यस्त होने से बचा रहे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है गाँव के लोगों का हुजूम है जो इस आपदा से हमेशा हर साल जो है पीड़ित रहते हैं, और काफ़ी लोग जो है डायनामाइट टीम को अपनी जो है पीड़ा बता रहे हैं। गांव नदी के किनारे जो रामूरत का डी है एकदम सटे हुए हैं, ये दो साल का कटान हो गया सर। हम लोग विधायक से लेकर डीएम एसडीएम कोई ऐसा चैनल बाकी नहीं जहां तक हम लोगों ने शिकायत कर दिया, आज तक किसी ने कोई सुध लिया न इसका कोई निर्माण हुआ। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये गांव उजड़ जाएगा। यहां कम से कम 100 घर बसे हुए हैं, 500 की जनसंख्या होगी। ये सर अगर व्यवस्था नहीं हुई, अगर शिकायत इसकी नहीं गई, कोई निदान नहीं हुआ, ये गाँव उजड़ जाएगा। चालू है इस बार अगर कोई ध्यान नहीं दिया आपका दे आलू क्या समस्या है? समस्या बहुत बड़ा है कि घरों चल जाए नलो चल जाए बहुत दिक्कत बा है। अब देखल जाए कि मतलब यहाँ से वहाँ तक बड़ी परेशानी बा है। अब ऐसे बड़ी का बताओ जो हम मन के हड़ताल है समस्या रखी है बता दो साल से ऐसा अगर नहीं हो पाई तभी सब घर और चल जाए। हाँ किस गांव के रहने वाली है? समस्या ये है सर, अब देखिए कि मतलब गांव के किनारे नदी है, नदी मतलब अरार बहुत जास्ती टूट रहा है 3 साल से, इसको किसी ने मतलब ध्यान नहीं दिया। कितने लोग आए मतलब सब लोग देख देख कर चले गए, सुनवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं होती है। इस बार कटान ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर नहीं बनेगा गांव उजड़ जाएगा, अगर नहीं बना तो इस बार में गांव उजड़ जाएगा। हाँ व्यवस्था करवाइए कि मतलब जल्दी से जल्दी बन जाए। हाँ आप लोगों क्या क्या समस्या है? ये समस्या है सर कि गांव बह जाता है, अभी नदी से घर द्वार बह जाता है, कटान के नाते हर साल अभी 3 साल से बहुत समस्या से भागे करेगा। 3 साल से समस्या है, कटान बहुत तेजी से हो रहा है गांव के किनारे, घर गांव के किनारे का घर एक किनारे सट गया एकदम, भैंस गोरु मनाई सब बेकार बाटा सब बह जाता है, बार बार भागे पड़ता है। एक आदमी जा रहे थे मतलब गिर गए नीचे, उसके कमर टूट गए, गिर गए थे आधे नदी का कटने से एकदम पूरा नदी लेकर गए, अब फिर तक बेकार कह दिया, अब फिर ऐसे भागे परिवह जाए। सुनाई सरकार और प्रशासन से आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि मतलब जल्द से जल्द बनना चाहिए, बंदा बनना चाहिए। बेकार है।